बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं और जिसका कोई शरीक नहीं, और करोड़ों दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, इससे पहले हम एक वीडियो में तफसीली तौर पर यह जायज़ा ले चुके हैं कि वो कौन से अमाल हैं जिनके करने से हमारे रिज़क में बरकत होती है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि रिज़क में बरकत के वो कौन कौन से वजीफ़े और दुआएं हैं? अगर नहीं जानते तो जुड़े रहो इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को आखिर तक देखना। नाज़रीन, हम पहले से ही एक वीडियो में तफसीली तौर पर यह जायज़ा ले चुके हैं कि वो कौन कौन से अमाल हैं जिनके करने से हमारे रिज़क में बरकत होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर वो देखें। वो इस वीडियो का पहला पार्ट है। तो नाज़रीन, ज़रा समझते हैं कि वो कौन कौन से वजीफ़े, वो कौन कौन सी दुआएं हैं जिनको कसरत से पढ़ने से रिज़क में बरकत होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, बरकत का हकीकी मतलब दौलत या रिज़क का बहुत ज़्यादा नहीं हो जाना होता, बल्कि बरकत एक ऐसी चीज़ है जिससे आप दिली तौर पर मुतमिन हो जाते हो अपने रिज़क से, अपनी हर चीज़ से। दोस्तों, हमारा दीन में कोई शॉर्टकट नहीं है, हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है। तो आपको कुछ भी हासिल करने के लिए अमाल करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले हलाल रिज़क के लिए आपको तगोदो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं कि आप मेहनत ना करें और उसके बावजूद आपको फल मिल जाए, और फल भी अच्छा मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। और हलाल रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। बहुत सी रवायात और अहादीस से हलाल रोज़े कमाने को तरजीह दी गई है और हमें हराम रोज़े से बचने का कहा गया है। रिज़क में बरकत के लिए सबसे पहले आपको वो अमाल करने चाहिए जिसकी वजह से रिज़क में बरकत होगी। वो अमाल कौन से हैं, हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का मकसद आपको वज़ाइफ और दुआएँ बताना है। तो चलें वो कौन कौन सी दुआएँ हैं डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, आपकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इन दुआओं को भी ऐड कर देंगे ताकि आपको पढ़ने में वहाँ से आसानी हो। दोस्तों, सबसे पहले ये एक मुकम्मल और कामिल दीन होना चाहिए। एक रिज़क देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है, और रिज़क एक ऐसी चीज़ है जिसका वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे किया हुआ है, और यकीनन हमारे हिस्से का रिज़क हम तक ज़रूर पहुँच कर रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कहोगे अल्लाहुम्मा रज़ुकनी, तो अल्लाह कहेगा मैंने रिज़क देने का फ़ैसला कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी नूह अलैहि सलाम की वफ़ात का वक्त जब करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे से फरमाया, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अल्लाह पाक है, अल्लाह अपनी तारीफ़ के साथ। इसका विर्द करते रहना कि ये हर चीज़ की नमाज है और इसके ज़रिए मखलूक को रिज़क मिलता है। तो हमने जाना कि ये दुआ, ये वजीफ़ा पढ़ते रहना चाहिए रिज़क के हसूल के लिए, सुबहानल्लाही व बिहम्दिही। दूसरे नंबर पे जो दुआ आती है वो हलाल और तय्यब रिज़क की दुआ मांगते रहना चाहिए। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़कन तय्यबन व अमलन मुतकब्बला। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म और पाकीज़ा रिज़क और कबूलियत वाले अमल की दुआ करता हूँ। तो इस दुआ को भी अपनी हर नमाज के बाद हिस्सा बना लें कि अल्लाह से यह दुआ मांगा करें। यकीनन ये रिज़क में कुशादगी और रिज़क में बरकत का बायस साबित होगी। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो नाज़रीन, कभी भी बहुत ज़्यादा रिज़क नहीं मांगना चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक रिज़क मांगना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरे घर वालों को इतनी रोज़ी दे कि वो ज़िंदा रह सकें। इसके अलावा नाज़रीन, रिज़क में बरकत के लिए और बहुत सी दुआएं हैं, जैसा कि खाना खाने की दुआ, दूध पीने की दुआ, फल उठा के खाने की दुआ। इन दुआओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, यकीनन यकीनन ये रिज़क में इजाफे का बायस बनेगी। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लाम में और कोई शॉर्टकट नहीं है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ काम आपको बताएंगे कि ऐसे करो तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। नहीं, दीन में इस्लाम जो कि एक मुकम्मल दीन है, इसके अंदर दुआएं हैं और दुआएं ही वज़ाइफ हैं। यकीनन आप इनका एहतमाम करेंगे, इसको आपको कल्बी सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ इसके बहुत और से फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह। तो आपकी सहूलत के लिए इंशाल्लाह हम तीन चार जितनी भी दुआएं हैं इनको हम डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे, और अगर किसी दोस्त को PDF फाइल चाहिए हुई तो वो भी हम उसका भी लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो नाज़रीन मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो का थर्ड पार्ट जो कि बहुत जल्द अपलोड होगा वो भी लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।